फतेहगढ़ में श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज के मेले में गगनचुंबी निशान उठाकर जयकारे लगाए गए। परंपरागत तरीके से सजाए गए निशानों को सोमवार की रात फतेहगढ़ कोतवाली के पास पहुंचाया गया, जहां लोगों ने निशानों की पूजा की। फतेहगढ़ में श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज का वार्षिक मेला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष भी संपन्न हुआ। मेले में लगभग 82 निशान आए, जो कि विशेषकर चांदी व देवी देवताओं के चित्रों से व बेला की कलियों से सजाए गए थे। श्री जाहरवीर गोगा जी महाराज के मेले में गगनचुंबी निशान उठाकर जयकारे लगाए गए। परंपरागत तरीके से सजाए गए निशानों को सोमवार की रात ही फतेहगढ़ कोतवाली के पास पहुँचाया गया, जहाँ लोगों ने निशानों की पूजा अर्चना की। मेले का शुभारम्भ फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर किया। उनके साथ क्षेत्रीय सभासद अनिल तिवारी, गौरव सक्सेना, रितेश प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। मेला कमेटी के संरक्षक श्याम वाल्मीकि, अध्यक्ष श्री कृष्ण चौधरी आदि ने संरक्षक सांसद मुकेश राजपूत का जोरदार स्वागत किया। सांसद ने भी कमेटी के सभी सदस्यों का माला व पट्टा पहनाकर स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुनों पर निशान यात्रा शुरू हुई। चांदी व देवी देवताओं के चित्र, मोर पंख, रंगीन पन्नी व चित्रों से सजाए गए निशान सेवक कमर में बंधे पट्टे पर रखकर चल रहे थे। निशान यात्रा के दौरान रोड पर महिला, पुरुष व बच्चों की बेशुमार भीड़ देखने को मिली। छोटे बच्चे कम वजन निशान लिए हुए थे। जिला अस्पताल गेट के पास जाहरवीर गोगा मंदिर के पास हवन किया गया। यहां निशानों का पूजन किया गया। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। मेले में अनुयायियों की भीड़ उमड़ी। कन्नौज, एटा, हरदोई समेत अन्य जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। मेले में डमरू, चिमटा आदि के साथ मंत्रोच्चारण हुआ और लोकगीत भी प्रस्तुत किए गए। मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने निशान लेकर आए लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया। कानपुर रोड स्थित आदर्श पटेल के प्रतिष्ठान पर मेले में आए अनुयायियों का जलपान करा के भव्य स्वागत किया गया। बाब माला व रामनामी पटका तलवार भेंट कर बलपुर भक्त का स्वागत किया गया। मेला अध्यक्ष श्री कृष्ण, अनिल कुमार, श्याम वाल्मीकि, सुनील कुमार, संयोजक रंजीत, सुमित, लल्लू, दिनेश देशमुख आदि लोग बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है पूरे मेले को लेकर सांसद मुकेश राजपूत व मेला कमेटी के अध्यक्ष ने। सांसद जी, आज फतेहगढ़ में बड़ा ऐतिहासिक मेला है, किस प्रकार से मेला मनाया जा रहा है और आप आए हैं, क्या 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 कुछ किया है? मैं सबसे पहले फर्रुखाबाद के साथ साथ पूरे प्रदेश देशवासियों को जाहरवीर गोगा जी महाराज जी का आज मेला है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे फर्रुखाबाद जनपद में हर साल ये बड़ी धूमधाम से मेला मनाया जाता है, जिसमें पूरे जनपद के हजारों की संख्या में लोग आते हैं और पूरे दिन ही, ये सुबह रात से ही निशान आ रहे हैं, रात से ही निशान आ रहे हैं और देर रात तक ये कार्यक्रम इस तरह से चलता रहेगा। आगे भंडारा लगा हुआ है, पूरे जनपद के लोग आए हुए हैं। मैं जहाँ भी गोगा जी महाराज के आज इस मेला में सभी का स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ और सभी लोगों का, इस जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश देशवासियों के लोगों के जहाँवीर गोगा जी महाराज से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, कामना करता हूँ कि वो सबका कल्याण करेंगे और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना आशीर्वाद पूरा बनाए। क्या नाम है भैया आपका? सुनीता। आज जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है और कितने वर्षों पुराना मेला है ये? ब्रिटिश के टाइम का मेला है और ये हमारे सभी भक्तजन जो है, भक्तजनों के श्रद्धा के अनुसार में ये मेला हमारे बुजुर्गों के टाइम से मनाया जा रहा है, क्योंकि इस मेले की हर साल जो है एक न एक नई उपमा तैयार होती है, जिसमें चांदी के निशान आते हैं, उसके बाद में जिसमें गिनियाँ लगी हुई हैं वो भी निशान आते हैं, वो कर्नलगंज का निशान है और चांदी का जो निशान है वो हमारे कार्यवर्ग घोड़ा नकाश का है और अन्य जनपदों से आए हुए निशान जितने वो हैं अद्भुत कारीगरियों से संपन्न किए गए हैं, जिनको मेला में लाकर दर्शाया गया है। महाराज के नाम पर हमारा इस समय बच्चा बच्चा, हमारी लेडीज हैं, हमारी
माताएं बहने हमारी लड़कियां बहुएं सभी लोग जो है आज के दिन इतने हर्ष उल्लास से त्यौहार को मनाती हैं। आज महाराज का यहाँ पर पूरा ये मालूम कहता है मेला प्रहार में कि महाराज ने यहाँ पर जन्म दिया हो। बस इसी के साथ मैं अपनी बात जान देता हूँ। मेला कहाँ से शुरू होता है ये और कहाँ तक जाता है, क्या कुछ नियम होते हैं इसके? योगा जी महाराज का मेला यहाँ से उसके कुतवाली प्रांगण से वहाँ पर जाता है जो अम्बेडकर मूर्ति से पहले वहाँ पर कनम मंदिर बना हुआ महाराज जी का, वहाँ पर जाकर संपन्न होता है और संपन्न होने के बाद में पूजा पाठ करके हमारे सभी भक्त श्रद्धालु अपने अपने घर के लिए प्रस्थान। तो इस साल कितने निशान है टोटल? टोटल 82। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो को शेयर जरूर करें।